How are you? So, yes, I am great. And what about you? I am also good, sir. Okay, great, great. So, Hamid, today we are going to practice on passive. So, are you ready? First, like practice tense by tense. After that, we will mix all that passive. Okay, so let's get started. Yes, sir. Okay. So मेरे रूम को रोज साफ किया जाता है। माई रूम इज क्लीन्ड. ओके, क्या तुम्हारे घर को रोज साफ किया जाता है? इज योर हाउस। रूम इज योर हाउस क्लीन्ड. पहली क्या तुम्हारे कपड़े हर हफ्ते धोए जाते हैं? आर योर क्लोथ्स वॉश्ड एवरी एवरी वीक. Are your clothes washed every week? Okay, क्या तुम्हारे गांव में गन्ना उगाया जाता है? आर द शुगर केन ग्राउंड इन योर विलेज. इज शुगर कैन कल्टीवेटेड इन योर विलेज? ओके सर. ओके सर. ओके, ग्रेट। क्या तुम्हें रोज पैसे दिए जाते हैं? आर यू इज मनी आर इज गिवन मनी टू ओके ग्रेट ग्रेट इज मनी गिवन टू यू एवरी डे और यू कैन एवरी. से आर गिवन मनी बोथ आर करेक्ट। ओके, ओके सर. क्या तुम्हें रोज डांटा जाता है? आर यू स्कोल्ड एवरी डे स्कोल्डेड एवरी डे. क्या तुम्हारे भाई को पैसे दिए जाते हैं? इज योर ब्रदर गिवन मनी एवरी डे. ग्रेट। और क्या क्या तुम्हारे भाई को बाजार भेजा जाता है? इज योर ब्रदर सेंड टू मार्केटिंग यस। और मेरे मेरे कपड़े कभी कभी धोए जाते हैं। डे. माई क्लोथ्स इज वॉश्ड कभी कभी सर. Sometimes. समटाइम्स जब मुझे भूख लगती है तो मुझे खाना नहीं दिया जाता है। व्हेन आई फील हंग्री द फूड इज नॉट गिवन टू मी. आई एम नॉट फूड फूड इज नॉट फूड फूड इज नॉट गिवन टू। इज नॉट गिवन टू मी. ग्रेट। और जब तुम्हें प्यास लगती है क्या तुम्हें पानी दिया जाता है? व्हेन आई फील थर्स्टी इज वाटर गिवन टू यू. हाँ, ग्रेट। देखो, उस लड़के को पीटा जा रहा है। कैन यू रिपीट सर अगेन. देखो, उस लड़के को पीटा जा रहा है। लुक लुक दिस बॉय इज बीइंग बीटन. ग्रेट। देखो, मेरा रूम साफ किया जा रहा है। लुक माय रूम इज क्लीन बीइंग इज क्लीन। बीइंग क्लीन चाय बनाई जा रही है। दैट इज बीइंग मेड. मेरे कपड़े धोए जा रहे हैं। माय क्लोथ्स इज बीइंग वॉश्ड. क्या तुम्हारे रूम को साफ किया जा रहा है? इज योर इज माई रूम बीइंग क्लीन्ड. ठीक है। क्या तुम्हारे रूम को साफ किया जा रहा है? इज योर रूम बीइंग क्लीन्ड. और मेरे कपड़े नहीं धोए जा रहे हैं। माई क्लोथ्स इज नॉट बीइंग वॉश्ड. एक है तो इज, अगर बहुत सारे हैं तो माई क्लोथ आर नॉट बीइंग वॉश। आर नोट. ओके सर. और खाना पका लिया गया है। द फूड
have been the food has been cooked. Great. क्या तुम्हारी चाय को टेबल पर रख दिया गया है? Being it is present perfect. Yes. But been. तुम्हारी चाय को टेबल पर रख दिया गया है. Have your tea been put on the table? Has your tea been put on the table? On the table. Okay. क्या डिनर पका लिया गया है? Has the dinner been cooked? मेरे कपड़े धो दिए गए हैं. My clothes have been washed. क्या तुम्हें पीटा गया है? Have you been beaten? Okay. मुझे नहीं पीटा गया है, मेरे भाई को पीटा गया है. I have not been beaten. My brother have been beaten. Has been beaten. Great. Okay. Past. प्रेजेंट से फिनिश किया, पास में चलते हैं. ठीक है. ओके सर. कल मुझे पैसे दिए गए. I was given money yesterday. I was given money yesterday. ओके. क्या तुम्हें पैसे दिए गए? Were you given money? Money was given to you. Both are correct. Okay, don't worry. Yes. कल मेरे भाई को पीटा गया. My brother was beaten yesterday. और कल मेरे कपड़े धोए गए. My clothes were washed yesterday. क्या कल तुम्हारा रूम साफ किया गया? Was your room cleaned yesterday? कल मुझे बाजार भेजा गया. I was sent market yesterday. बाजार में मुझे like humiliate किया गया. Can you repeat your question, sir? कल बाजार में मुझे मतलब बेइज्जती की गई, humiliate किया गया, मजाक उड़ाया गया. I was insulted in the market yesterday. और मैंने बाजार में देखा सब्जियां बेची जा रही थी. Aisha in the market the vegetables were being sold. Continue. Okay sir. Being sold. Visit और सब्जियां खरीदी जा रही थी. The vegetables is being खरीदना bought. Vegetables were being bought. Yes, yes. और जब मैं बाजार से लौट रहा था मैंने एक लड़के को देखा. When I was coming back to my home. Next, sir. You are मैंने हिंदी. एक को पीटा जा रहा था. Aisha, a boy was being beaten. और जब मैं घर आया तो मैंने देखा मेरा रूम साफ किया जा रहा था. When I come back home, my room was being cleaned. मेरे कपड़े धोए जा रहे थे. My clothes were being washed. लंच बनाया जा रहा था. The dinner was being cooked, being made. और जब मैं आया तो मेरा नाश्ता टेबल पर रख दिया गया था. When I come back,
my breakfast was being taken on the being put on the table. Perfect, past perfect ka passive okay. Had me. When I come back home, my breakfast had been put on the table. मेरे रूम को साफ कर दिया गया था. My room had been washed. और मेरे कपड़े धो दिए गए थे. My clothes had been washed. Clothes had been washed. और जब मैं ऑफिस गया. या सर जब मैं ऑफिस गया सर यू वो इज नॉट क्लियर कल जब मैं ऑफिस गया व्हेन आई वेंट टू ऑफिस यस्टरडे नेक्स्ट कुछ मतलब वर्कर को हायर कर दिया गया था कुछ एम्प्लॉय को हायर किया गया था ओके ओके When I went to market, I saw office. When I went to office, next sir. When I went to office yesterday, मैंने देखा कि कुछ employee को hired किया गया था. I saw some employees had been hired. Great. और कुछ एम्प्लॉय को निकाल दिया गया था फायर्ड कर दिया गया था टर्मिनेटेड कर दिया गया था पुराने वर्कर्स सम वर्कर्स हैड बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम द ऑफिस अब चलते हैं क्या फ्यूचर में चलते हैं ओके सर कल तुम्हारे कपड़े धो दिए जाएंगे योर क्लोथ्स will be washed tomorrow aur kal tumko khet bheja jayega khet farm field you will be sent in the field tomorrow you will be sent yes farm okay aur kal tumhara room saaf kar diya jayega Your room will be washed tomorrow. जब तुम मेरे घर आओगे तो मेरा रूम साफ कर दिया जा चुका होगा when you come in my home in my house when you come to my house my room my house will be cleaned will have been cleaned jaane se pehle wo kuch ho jayega na yes sir yes kal jab main office jaunga to mera office saaf kar diya ja chuka hoga when I go to my office will have been cleaned okay aur जब वो घर जाएगी तो उसके लिए खाना पका दिया जा चुका होगा when she goes home goes to house the food khana sir the food will have been cooked great और जब तुम बाजार से आओगे तो तुम्हारे लिए चाय बना दी जा चुकी होगी जब तुम बाजार से आओगे तुम्हारे लिए चाय बना दी जा चुकी होगी When you come from the market, the tea will have been made for you. You will have been made, yes. अब मिक्स करते हैं मिक्स कुछ भी okay, sir. मेरे भाई के कपड़े धोए जाते हैं माय ब्रो माय
मेरे भाई के कपड़े धोए जाते हैं. धोए जाते हैं. द क्लोथ्स माई ब्रदर क्लोथ्स माई ब्रदर्स क्लोथ्स इज वॉश्ड आर वॉश्ड. देखो उस लड़की को डांटा जा रहा है. लुक दिस बॉय दिस उस लड़के को दैट बॉय इज बीइंग स्कोल्डेड. कल मुझे पैसे दिए जा रहे थे. I was being given money yesterday. Yes. और आप जब तुम घर आए ऑफिस से क्या तुम्हारे लिए डिनर पका दिया गया था? When you come to your home from the office, the food have been dinner. बना दिया गया था. The dinner has been made. Question है. क्या dinner बना दिया गया था? Has the dinner been made? Great. कल मेरे कपड़े धोए जाएंगे. My clothes will be washed tomorrow. Yes. और कल जब मैं पार्क जा रहा था तो मैंने देखा कुछ पेड़ों को काटा जा रहा था. कल जब मैं पार्क जा रहा था तो मैंने देखा कुछ पेड़ों को काटा जा रहा था. I was going to park yesterday. I saw there some trees were being cut down. Yes. Cut down. Park को साफ किया जा रहा था. The park was being cleaned. जब मैं टेम्पल गया तो कुछ पेड़ों के फूल तोड़े जा रहे थे. कल मैं टेम्पल गया तो मैंने देखा कुछ पौधों से फूल तोड़े जा रहे थे. When I went to temple yesterday, कुछ पौधों से फूल तोड़े जा रहे. Some flowers were being plucked from the plants. Some flowers were being plucked from the plant. Okay, great. और क्या तुम्हारे कपड़े धोए जा रहे हैं? क्या तुम्हारे कपड़े धोए जा रहे थे? धोए जा रहे थे? हैं धोए जा रहे हैं. क्या तुम्हारे कपड़े धोए जा रहे हैं? Are your clothes being washed? मेरे रूम को साफ किया जा रहा है. My room is being washed. और तुम्हारे लिए डिनर बना दिया गया है. The dinner has been made for you. Great. देखते हैं कितना टाइम हुआ है. Okay, 19. Your passing is great. I feel agitated, sir. No, you didn't feel agitated. I can see you. You just replied. I am feeling agitated, sir. Yeah, so even I checked your tenses, I think, like 2 weeks ago. And you didn't make any mistake. Just because of, like you, if you practice more again and again, so you will definitely able to all the things. People say... I will do practice more and more. And I will be a good speaker in Salla one day. People say that there is no need to like learn tenses and passive. If you do rapid fire round, so nothing will happen. So I don't think so, because until you go through the basic, how can you speak? Because don't have requirement. You know, many people have been told me that grammar is not so important for improving your English.
but I did not focus such people words. I don't agree with them, because until you learn tenses and passive and some structure, how will you speak? Because you don't have environment. Okay, if you have environment, so you can speak by listening. By listening, you can follow and you speak at a time. You don't need to learn any tenses and grammar. But we don't have any environment. So what will we do? We have to go through this process. Even yes, I got a comment that, okay, if you do rapid fire, so it will, nothing will happen to anyone. So I said, okay, it's your opinion. In my opinion, we must do this, because otherwise we can't speak any single sentence with anyone. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So Hamid, so what were you doing before taking this session? Sir, I am doing practice for active passive sentences. Okay. So I think you are busy with your form. You know, like 2 days ago when I called you, you said that okay, like yes, harvesting going on in my form. Yes, sir. Yes, sir. I am very busy with field's work. So how are you handling your study and your farming work? No, sir. I go to field show time. Okay. I do study. Okay, great. My father and my brother do work in the field. Yes, because we live in village area, that's why we have to handle all the thing, you know. Yeah, as well as study and work, farming work, and there are so many work which we have to do. So yeah, it's really, really great. So Hamid, whenever you feel like practicing, you just tell me and I will definitely make you practice. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Let's wind up the session. And thank you so much. Thank you so much, Hamid. Thank you very much. Okay, bye.